फ्रेंड्स, मुंह दिखाई का रस्म हो गया है। अभी हम लोग घर आए हुए हैं। अभी हमें जाना है कहीं घूमने, तो उसके लिए रेडी होना है। रेडी तो हो चुकी हूँ मैं, लेकिन बहुत अच्छा जगह है, माइथान डैम जाना है हमें। तो सब लोग रेडी हो रहे हैं और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और मुंह दिखाई का रस्म बहुत अच्छे से हुआ, बड़ा मज़ा आया हमें। और आप लोग को भी देख के अच्छा लग रहा होगा ये सब रस्म रिवाज। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। और चलिए, मैं रेडी हो गई हूँ। मेरा सूट कैसा लग रहा है आप लोग को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं जा रही हूँ विराज को रेडी करने, क्योंकि विराज शादी वाले घर पे नहीं गए थे, बस यहीं पे थे, तो उनको रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद चलते हैं माइथान डैम, पता नहीं क्या नाम है उसका, माइथान डैम। हाँ, ये क्या नाम है आपका? तो मुझे कविता बता रही है, बहुत अच्छी जगह है। चलिए आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। रात में रिसेप्शन है, बीच में थोड़ा सा टाइम बचा है, तो हम लोगों ने सोचा चलो घूम के आते हैं, क्योंकि बार बार इधर आना तो होगा नहीं, तो आए हैं तो थोड़ा घूम ले। चलिए चलो, हम जा रहे हैं बीच के गिराने। बीच ये क्या होता है? आगे बता लीजिएगा, ब्लॉग बन रहा है मेरा। कैसा लग रहा है तुमको? पीछे देखो कितनी बड़ी नदी है, कितना ज्यादा पानी है। मामा बोलो, इतना ज्यादा पानी मैंने कभी पूरा मुंह मच्छर नहीं जा पाओगे। ठीक है, क्या है ये गुलदस्ता? कितने का है? 50 रुपया। दो दिखा, एक खजूर के पत्ते का बनाया है। दस सीढ़ी काउंट करते हुए आना, कितना सीढ़ी है? मेरी हालत खराब हो जाएगी, बच्चा गंदा भी हो रहा है। ठंडा ठंडा हवा आता है इसमें। ये नदी पूरे शहर को पानी देती है, इतनी बड़ी नदी है और बहुत खूबसूरत जगह भी है। इधर मम्मी का फोटो लिया जा रहा है और इधर गाड़ी खड़ी है हमारी। चलो मम्मा,
पैसे ले लो खा लो। मैथन डे आए हुए हैं और ये देखिए सारे लोग विराज। अभी हम करेंगे बोटिंग। आइसक्रीम मिल गया। ओके ये जो गोरखपुर का सही से बोल रहा बातों सुने दो। हम सारे लोग बोटिंग के लिए रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग बोटिंग के सामने। बहुत सुंदर डैम है। मैथन डैम, मैथन डैम बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, देख सकते हैं। दिखा विराज, वो इधर माँ को देखो। मुझे भी नहीं आती। सही से खड़े हो जाना। थोड़ी हिलती है। चलो चलो नारा उकसा दिया। अच्छा चलो क्यों पकड़ो, पकड़ना पड़ेगा ना जी। तुम बैठो चुपचाप कहीं कहीं, तुम मेरे पास बैठेगा। तुम ना आगे आंटी के पास बैठो। कुर्सी पर पैर रखा, कुर्सी पर दोनों के सामने बैठो। आगे सामने बैठिए आप लोग। आंटी बाबू को आगे खड़े कर लीजिए। बीच में सेंटर में खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जाओ बीच में खड़े। वैसे कोई ले लेते ना। चलो नहीं एक बार और किए हैं। टिहरी डैम में गए थे तब किए थे। ये देखो वहाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हेलो गाइस, thank you.
फिर खड़े हो पत्ता वाली फिर इधर आओ इधर आओ कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है भोजपुरी हम बोल सकते अच्छा बहुत अच्छा लगा था भाई दोबारा आई बनी फिर वही सेम बोर्ड में बैठल बनी इसी बोर्ड पे बैठी थी आज यहाँ हम खाएंगे गोलगप्पे गुपचुप बंगाल में गुपचुप होता है हाँ 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 सब कुछ नहीं ठीक है आप तीखा नहीं खाती हैं कैसे देते भैया 10 का 4 ब्राज आइसक्रीम खिला दो मम्मा को भी दे रहे हो माँ को दे रहे हो नहीं तुम खा लो मैथन डैम बहुत खूबसूरत जगह है बहुत खूबसूरत नजारा था हम लोगों ने बोटिंग किया बड़ा मजा आया अब हम घर जा रहे हैं शाम को रिसेप्शन है तो वो ब्लॉग मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी और ये जगह झारखंड में पड़ता है आसनसोल के काफ़ी पास में है तो हम लोग घूमने आए हुए थे तो अगले ब्लॉग में आपको रिसेप्शन देखने को मिलेगा तो ब्लॉग में बनी रहिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।